MS Manisha Khare. This is the second bail application which has been filed. Sir, वो कल last time sir एक order देख लें आप उसके पहले का. A9 is the document which was meeting out the part of the. है वो तो मेरा पहला order. My lord, may kindly see the order date 3/7/2024. The counsel for the state bails for has granted 2 days time to verify the registration certificate issued by MSTC Limited in favour of Radha Metal Industries which have been filed as an initial A9. Then they give this document, my lord. Which is dated 4/7. May I read this document which has been handed? Please. Thana Prabhari, Thana Adhartal, this has been addressed by MSTC. Vishay, aapka patrakramang 700, Bhavat, Mahodaya, aapke patrak ke sambandh mein kripya binduwar jankari praat karein. Company record ke anusar, hamare dwara Mrs. Raja Metals, that is A9 model, in respect to A9. Record ke anusar, hamare dwara Mrs. Raja Metal ka mool group se dinank 15/3/2023 ka photo ID card jari kiya gaya hai. They admit this part. जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड की सत्यापित छायाप्रति आपके संदर्भ के लिए इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है. यह फोटो आईडी कंपनी को किसी भी प्रकार का एक्सक्लूसिव खरीदने का अधिकार प्रदान नहीं करता है. दिस सर्टिफिकेट डजंट गिव ए राइट ऑफ परचेज. नहीं, मैंने तो आपको वो जो एक जो आगे चार लाइन है, सर आगे चार लाइन की क्वेरी नहीं, फिर भी उसको मैं मीट आउट कर देता हूँ. क्वेरी कुल मिलाकर ऑर्डर में इतनी थी कि ये सर्टिफिकेट जो हमने फाइल करा ये जेन्युइन है. नाउ व्हाट द राइट ओवर हियर, आगे आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे, दिस इज इन्फॉर्म टू द थाना प्रभारी, आगे आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे ये आई कार्ड सेलर विक्रेता द्वारा MSTC को नीलामी के लिए दी गई अनुपयोगी सामग्री के निरीक्षण व डिलीवरी के लिए दिया जाता है. देन इट सेज हमारे द्वारा दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्शन विच हैज बीन परफॉर्म्ड, हमारे द्वारा आयोजित नीलामी में सेलर वुड बी खमरिया मालूम, हमारे द्वारा आयोजित नीलामी में सेलर की अनुपयोगी की सामग्री को ही केवल सफल बुलीदाता खरीद सकता है. इनके द्वारा नीलामी आयोजित की जाती है. MSTC इज एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑर्गेनाइजेस द टेंडर्स. मालूम NIT इज इशूड वेरियस थिंग्स, नॉट ओनली द स्क्रैप मटेरियल, टू थिंग्स. MSTC एक सेपरेट एजेंसी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी स्क्रैप मटेरियल निकलता है उसको कलेक्ट करती है और उसका ऑक्शन करती है. अकेले इसी के लिए नहीं, देयर आर डिफरेंट फॉर ऑटोमोबाइल्स, सो नंबर ऑफ थिंग्स MSTC कंडक्ट द ऑक्शन. OFK है एग्जीक्यूटेड अ लाइसेंस डीड, सो देयर आर टू थिंग्स, या तो लाइसेंस डीड के थ्रू ये जाकर के वहां से कलेक्ट करके ला सकते हैं, या MSTC के जो ऑक्शन है वहां से परचेस कर सकते हैं. तो ये OFK के लाइसेंस से हुआ है. आप बताओ ना मुझे थोड़ा, इट इज नॉट फॉर मी टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. बात हो गई है, जो आदमी आपने जेल में पकड़ के रखा हुआ है और आपको OFK ने क्या किया है, OFK से पूछने की हिम्मत है नहीं आपकी, है ना? दुबई जाना है हमको तो सर, बस इतना है, हमको तो दुबई भिजवा दो, हम उसको पकड़ के लाएंगे सर, बुर्ज खलीफा भी देख के आएंगे. ये है क्या आपका एटीट्यूड? हैव यू ग्रिल्ड द OFK ऑफ एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स कि कैसे किया था आपने? हिम्मत नहीं है. मैंने आपके IO की शक्ल देख के उस दिन बोल दिया था, जैसा ब्लैंक फेस लेके वो आया था, आई इमीडिएटली केम टू अ कंक्लूजन कि इससे बहुत ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस की उम्मीद नहीं है. आपने OFK के साथ क्या बात की उसके बाद? आपके IO ने उसके बाद डायरी खोल के क्या किया? OFK अथॉरिटीज कि वो इस बात की जानकारी दें कि इस तरीके का फॉर्म अगर डिस्पोजल. आपने ये ऑक्शन प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट की इसके बारे में अभी भी आप जानबूझ के चुप हैं. अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है स्पष्ट कि कब आया. इट माइट बी कि अभी एक है कब आया. OFK कहती है जितना बड़ा केटर बन गया है ये हमारा नहीं है. हो गया, इन्वेस्टिगेशन खत्म. फिर जब आप ये देखेंगे कि जब ये ऑक्शन हुआ तो क्या क्या सामान ऑक्शन हुआ उस समय, चेक किया आपने? किस ऑक्शन में आया? अरे भाई साहब, जो आखिरी ऑक्शन था चेक किया आपने? रूल आउट किया क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि साहब ये इस तरीके की ये चीजें ऑक्शन हुई थी,
उससे ये एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। मुझे मालूम था यार, ये आपके अब मैं क्या बोलूं, हमें धमकाने आ जाते हैं, एनएसजी ने किया, एनआईए ने किया, पर आपके एसपी को तो कुछ नहीं मालूम। ओएफके का क्या है आपके पास मटेरियल? या तो आप ये कहिएगा कि ओएफके से कभी ऑप्शन में ये गया ही नहीं, या ये कहिए कि ये कहीं और से ऑप्शन से हुआ है, या ये कहिए कि साहब ये कहीं और से लेके आए। क्या कह रहे हो आप? वो तो मैं देख चुका हूँ, इतना बड़ा केटर बन गया था सर, वो मेरे यहाँ का नहीं हो सकता, हो सकता लिखा है ना। आपके आईओ ने क्या किया डायरी खोल के दिखाइए मेरे को। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती, तो जो आईओ आया था उसका ब्लैंक फेस देख के मैं समझ गया कि ही इज not competent to conduct this type of investigation. Investigation word ko general mat le lijiyega. It was in the context of a particular case. Abhi tak aap ye keh rahe ho, ye wo keh rahe ho, aapko khud nahi pata ki hum kya keh rahe hain. Dijiye diary, dijiye. Or else, keep your SP present. Hume dhamkane aa jate ho ki NSG bhi aayi thi, NIV bhi aayi thi. सबका आंसर लास्ट ऑर्डर में दे दिया सर। अरे सर क्या करें, क्या आंसर है तो गिव मी माय लॉर्ड। सवाई एजी ऑफिस को छोड़ के कोई भी सीरियस नहीं, और नहीं है बोलो ना, हिम्मत करो, सब छोड़ दो इनको। घटना में कई बिंदुओं पर विवेचना जारी है, एनएसजी और एनआईए जैसे किन कहां है डायरी? कीप योर एसपी प्रेजेंट अलोंग विद द कंप्लीट डायरी। कितने बजे बुलाएंगे आप उनको? ठीक है 2:30 बजे। मजाक बना के रखा आप लोगों ने, पर हैव अ करेज टू से इट। लास्ट ऑर्डर में इनफैक्ट आर 26 अगर आप देखेंगे उसमें अपना बड़ा साफ लिखा है सर, ये समय दीपा पोती कर रहे हैं बैठ के। मैं ये बता रहा हूँ कि what has been observed by my lord, it is not the case of the prosecution that it is not an accident but it was a deliberate wrong. सर मैंने पूछा, अगर एक बार ये एक्सीडेंट आ गया है तो जहाँ से 304 यही बनेगा सर। सर ये अंडरलाइन कर करके हमें क्यों धमकाता है कि एनएसजी भी आई थी, एनआईए भी आया, और आपके आईओ को सर सब इंस्पेक्टर जैसे लेवल का आदमी जो इसमें एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, जिसको एम्यूनिशन के बारे में अपनी रिवॉल्वर तक का पता नहीं होगा क्या है, नहीं होगा सर। अभी उनको फायरिंग रेंज में ले जाओ तो सर एक ना लगेगी उनके निशाने पे। नहीं बताइए